यूपी के आंवला लोकसभा सीट से खुद को बहुजन समाज पार्टी का उम्मीदवार बताकर फर्जी नामांकन पत्र भरने वाले सत्यवीर सिंह और समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य के खिलाफ धोखाधड़ी और जालसी जाल समेत अन्य कई धाराओं में मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। आंवला सीट से बसपा प्रत्याशी आबिद अली ने इस संबंध में शहर कोतवाली थाने में शिकायत दर्ज कराई थी, जिसमें उन्होंने बताया था कि बसपा ने उन्हें अपना अधिकृत प्रत्याशी घोषित कर फॉर्म ए और फॉर्म बी जारी किया है, जबकि शाहजहांपुर के जालाबाद निवासी सत्यवीर सिंह ने भी खुद को आंवला लोकसभा सीट से बसपा का प्रत्याशी बताया है। पुलिस ने जब इस मामले की जांच की तो इस जांच में पता चला कि सत्यवीर सिंह ने फर्जी दस्तावेजों के आधार पर फॉर्म ए और फॉर्म बी को सिंगल अथॉरिटी के रूप में अपने नामांकन पत्र के साथ लगाया था। इसके साथ ही इन फॉर्म पर बसपा सुप्रीमो के फर्जी हस्ताक्षर भी किए गए थे। सुप्रीमो मायावती से पूछा गया तो मायावती ने सिंबल को लेकर जिलाध्यक्ष राजीव कुमार सिंह से बातचीत की और बताया कि बसपा की ओर से आबिद अली ही अधिकृत प्रत्याशी हैं। इसके बाद आबिद अली के नामांकन पत्र को जांच में सही पाया गया और सत्यवीर सिंह का फर्जीवाड़ा खुल गया। इस पूरे मामले में समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी नीरज मौर्य का नाम भी सामने आया है। आरोप है कि सपा प्रत्याशी